बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम तलबा बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। खुश रहें। ज़बरदस्त न्यूज़ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इम्तिहानात से मुतल्लिक़ के इम्तिहानात कैंसिल हैं, आपके इम्तिहानात ऑनलाइन होंगे, विदाउट एग्ज़ाम्स को प्रमोट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। इस तरह की जो सी वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स की तरफ से हम तक पहुँच रही है, स्टूडेंट्स वीडियोज़ के लिंक्स भी हमें शेयर कर रहे हैं और मैसेजेस भी कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट भी सेंड कर रहे हैं, तो कल से बहुत ज़्यादा इसके ऊपर स्टूडेंट्स बार बार पूछ रहे हैं। तो मैं सोचा एक छोटी सी वीडियो बनाकर स्टूडेंट्स को कीप अपडेटेड कर दूं कि आया कि ये होने जा रहा है कि नहीं जा रहा, यूनिवर्सिटी की तरफ से इस बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, तमाम तर तफसीलात बताने लगा हूँ। ये आखिरी वीडियो होगी, इसके ऊपर आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से इस टॉपिक को गौर से सुन लेना है और इसके अंदर मैं आपको एक दो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करूँगा। तो लिहाजा आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए होने जा रही है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स बारहा इससे पहले भी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि जितने भी आपके पास न्यूज़ आती हैं उसको एक दफ़ा उसकी अथेंटिसिटी चेक कर लिया करें कि ये यूनिवर्सिटी की तरफ से इन्फॉर्मेशन आ रही है या एक पर्सनल ओपिनियन, एक अकेले बंदे का अंदाज़ा है, उसका तुक्का है या वो व्यूज़ लेने के लिए, लाइक्स लेने के लिए ये काम कर रहा है। रिसेंटली कल से एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा फिर वायरल है जिसके अंदर ये स्टूडेंट्स को कहा जा रहा है कि फाइनली जी आपके इम्तहान कैंसिल हैं, आपको ऐसे ही प्रमोट कर दिया जाएगा, पेपर नहीं होने, ब्ला 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 ये वो। और स्टूडेंट्स यकीन करें वहाँ से इन्फॉर्मेशन सुन के वो सारे तलबा जो मुझसे भी पढ़ते हैं ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर, मैं ट्यूटर भी हूँ, लेक्चरर भी हूँ, तो उस बेस के ऊपर स्टूडेंट बार बार मुझसे मैसेज कर रहे हैं कि सर हमें पता चले पेपर कैंसिल हो गए हैं, पेपर के इम्तहान आप लोगों के नहीं होने हैं, बाहर 2020 के इम्तहान जी ऑनलाइन शुरू हो जाएंगे। तो तमाम तर जो इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की जा रही है ये टोटली फेक है बेटे, इसके ऊपर कोई सदाकत नहीं है, इसके ऊपर यूनिवर्सिटी का कोई स्टैंड नहीं है, यूनिवर्सिटी की तरफ से इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। यूनिवर्सिटी ने बाकायदा बच्चों की डेट शीट अनाउंस कर दी है, मैं डेली बेसिस के ऊपर अकेडमी के अंदर बच्चों को जाकर जितने भी तुलबा मेरे बी कॉम या एसोसिएट डिग्री के, मैं अकाउंटिंग का ट्यूटर हूँ, उनका टीचर भी हूँ, वो स्टूडेंट्स मुझसे एकेडमी पढ़ रहे हैं, उनकी रोल नंबर स्लिप भी आ गई है, बाकायदा उसके ऊपर सेंटर्स भी मेंशन है जहाँ पर जाकर उन्होंने 18 अक्टूबर से उनके इम्तहान ऑनलाइन नहीं बल्कि फिजिकली सेंटर्स के अंदर जाकर हो रहे हैं। तो एक बात पल्ले बांध ले, आज से सिर्फ 10 दिन बाद आपके पेपर शुरू हो जाएंगे, अगर आप इन्हीं बातों में रहेंगे तो ना आप प्रेपरेशन कर पाएंगे, ना पेपर दे पाएंगे, अल्टीमेटली नुकसान आपका होना है। जो वीडियोज़ बनाकर अपलोड कर रहे हैं उनको इससे कोई सरोकार नहीं है। मैं आप लोगों को ये चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ कि आप क्या करें, जो आपके पास 10 दिन है, शॉर्ट टाइम है, उसके अंदर अब आपने क्या करना है, किस तरीके से स्मार्ट स्टडी करनी है जिसके अंदर क्या हो स्टूडेंट्स आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सकें। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के तमाम कॉन्टेंट को एनालिसिस करके एक शॉर्ट सी वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि शॉर्ट टाइम के अंदर आप किस तरीके से अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। वीडियो के अंदर मैंने इसका स्क्रीनशॉट लगा दिया, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा दूंगा, यही टाइटल या यूट्यूब के ऊपर आप सर्च कीजिएगा, आपके सामने ये वीडियो आ जाएगी। इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, शॉर्ट टाइम के अंदर आप कितने अच्छे से पेपर को करके पेपर के अंदर पास आउट कैसे होना, अब आपका फोकस इसके ऊपर होना चाहिए, ना कि इधर उधर की बातों के ऊपर। 100% चांसेस हैं आपके पेपर्स होंगे, सेंटर्स के अंदर होंगे, इंशाल्लाह ज़रूर होंगे, तो इधर उधर की बातों को छोड़ दे, पेपर प्रेपरेशन की तरफ ध्यान रखें। मे अल्लाह ब्लेस ऑल ऑफ यू, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।